Hello everybody, welcome back to the channel. This is Understand UPSC and I am Satyam Jain, and this is the last lecture of Bharat Darshan series, the lecture number 5. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने चार लेक्चर्स में हमने सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, फिर आपका वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया ऐसे करके कवर कर लिया. एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल बी कवरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द आइलैंड्स. सो विल बी डूइंग द 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसाम. एंड देन विल बी लुकिंग एट द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. इसके साथ ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, साउथ और नॉर्थ ईस्ट, और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द एनवायरनमेंट सेक्शन स्पेसिफिकली. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा एंड लेट्स स्टार्ट. सो विल बी स्टार्टिंग विद सिक्किम. सिक्किम का वैसे मैं आपको वेस्ट बंगाल वाले उसमें भी करा चुका हूँ, पर जस्ट लाइक थोड़ा सा वापस से करा देता हूँ जो ऊपर की चीज़ें हैं. तो ये आपका जेमू ग्लेशियर है, दिस इज़ द जेमू ग्लेशियर, और यहाँ पे आपका कंचनजंगा का नेशनल पार्क है. ओके, यहीं पे आपकी कंचनजंगा की पीक भी मिलती है. दिस इज़ द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट. ओके, तो ये नेशनल पार्क भी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया, मिक्स हेरिटेज साइट भी हो गई, और यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी पीक भी हो गई आपकी, विच इज़ द कंचनजंगा पीक. ठीक है, यहीं से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? द रिवर तीस्ता. ठीक है, और ये तीस्ता रिवर यहाँ से निकल के आगे आपकी वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में फ्लो करती है. सो इट इज़ ए इंटर कंट्री रिवर. एंड यहाँ पे आपका गैंगटॉक जो है वो स्थित है. इतना ही है इसमें इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ है नहीं. तो आपको कंचनजंगा सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें याद रखना है, और बाकी तीस्ता रिवर हमने पहले भी कवर कर ली है. ओके, दैट इज़ इट फ्रॉम सिक्किम. कहाँ से निकलती है तीस्ता रिवर अगर कोई पूछ लेगा तो? जेमू ग्लेशियर से. याद रखेंगे आप ये चीज़. ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये पूरा जो एरिया है दिस इज़ अ सिंगल पूरा ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसमें ग्लेशियर्स हैं, इसमें पहाड़ियाँ हैं, सब कुछ है. तो दिस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रीजन, ये याद रखिएगा. अब हम सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश पर. ठीक है, लेट अस लुक एट अरुणाचल प्रदेश. तो देखो बहुत अभी मिक्सा लगेगा, ध्यान से सुनना, आराम से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से कराऊँगा, आराम से करते जाना. ठीक है, यहाँ से देखो, ये एक रिवर है यारलुंग सानपो, ये निकलती है आपके तिब्बत से, चाइना से, कहीं से भी कह लो. यहाँ पे आके ये टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है. ठीक है, यहाँ पे आके ये इंडिया में एंटर करती है. जब ये इंडिया में यहाँ पे एंटर करती है तो इसे बोलते हैं दिहांग रिवर. क्या बोलते हैं इसे? दिहांग रिवर, या फिर दूसरा नाम कह लो सियांग रिवर. ओके, ये फिर जब आगे आती है तो यहाँ से दूसरी रिवर आ रही होती है दिबांग रिवर, जो कि मिशमी हिल्स से निकल के आती है. ये आगे आती है यहाँ पे, ये आगे आती है यहाँ पे, और इन्हें एक तीसरी रिवर ज्वाइन करती है, विच इज़ द लोहित रिवर, जो अगेन आपकी इंटर कंट्री है. यहाँ से आपकी चलती है, यहाँ पे आपकी इस बेंड के साथ साथ इंडिया में एंटर करती है, और यहाँ पे आके जब ये आसाम में आ जाती हैं ये रिवर्स, तो इनके इनका हो जाता है कंजंक्शन, ये जुड़ जाती हैं आपस में, और इसी को हम बोलते हैं क्या? द ब्रह्मपुत्रा रिवर. समझ में आ गई बात? ब्रह्मपुत्रा आगे जाती है आपकी पूरे आसाम को पार करते हुए, फिर आपकी आगे इंटू मेघालय एंड देन बांग्लादेश. ठीक है, क्लियर? या फिर शायद डायरेक्ट बांग्लादेश में जाती है, वो हम आगे देख लेंगे एक बार. इसकी एक और ट्रिब्यूटरी कौन सी इंपॉर्टेंट है? वो है सुबनसिरी. ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई जो इस साइड पे है? ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई. ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? दिहांग या सियांग, दिबांग, लोहित, और अब ये एक और है सुबनसिरी. ठीक है, तो सुबनसिरी टुंगा पास से इंडिया में एंटर करती है, और मिरी हिल्स और अबोर हिल्स के बीच में से होती हुई आसाम में, इसमें आपके अरुणाचल प्रदेश में होती हुई, फिर आपके नीचे आसाम में आती है और यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है. ठीक है, तो अब हम ये आपको बेसिक समझ में आ गया ब्रह्मपुत्रा का. फिर आगे ऐसे ही आपकी कामेंग रिवर देखेंगे हम, ये वाली, दिस पर्टिकुलर रिवर जो ये है, ये कामेंग रिवर देखेंगे हम. बट उससे पहले लेट अस लुक एट अरुणाचल प्रदेश की बाकी चीज़ें. इधर से शुरू करते हैं, दिस पर्टिकुलर रीजन. सो दिस इज़ द तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. यहीं पे आपकी वो पूरी लड़ाई वड़ाई रहती है बॉर्डर वाली. ठीक है, दिस इज़ द बुमला पास और दिस इज़ द बोमडीला पास. तो ये दो पासेस के नाम आप याद रखेंगे, ऊपर नीचे भी और ईस्ट वेस्ट भी. तो वेस्ट में पहले हमारे पास बुमला पास है, फिर बोमडीला पास है, और ऊपर बुमला है और नीचे बोमडीला है. तो ऐसे ही आप याद रखोगे. फिर यहाँ पे गोरी जिनकी पहाड़ियाँ हैं इन द आका हिल्स. ठीक है, सबसे पहले क्या है आपकी? आका हिल्स हैं. इसमें से क्या निकल रही है आपकी? कामेंग रिवर निकल रही है. कामेंग रिवर जब निकलती है तो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये है आपका एक टाइगर
रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। तो ये कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? दिस इज द कामेंग एलिफेंट रिजर्व। कौन सा है? कामेंग एलिफेंट रिजर्व। ओके, दिस इज द कामेंग एलिफेंट रिजर्व। एंड यहाँ पे इसके अंदर क्या है? ये पखुई या पक्के टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पकुई या पक्के, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज़ पूछ लिया था कि कौन सी स्टेट में पड़ता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हैं इसी के अंदर, सेसा ऑर्चिड एंड ईगल नेस्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया इसको क्या बोलते हैं? कामेंग एलिफेंट रिजर्व। क्यों? क्योंकि कामेंग रिवर देखो यहाँ से इसको कट करते हुए आसाम में जा रही है। आई बात समझ? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जिस भी नेशनल पार्क वगैरह से रिवर निकल गई वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहले पक्के पूछ चुका है, अब एलिफेंट मान लो पूछना होगा तो क्या पता कामेंग ही पूछ लेगा। तो ये रिवर याद रखिएगा आप। ओके, कहाँ से निकली? गोरीचिन, अरे सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ तो ये सबसे पहले गोरीचिन यहाँ पे इससे निकली द कामेंग रिवर एंड इट केम डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई आपकी आका हिल्स। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है? डाफला हिल्स। ये भी पूछ लेता है लगाने के लिए, तो यहाँ पे डाफला हिल्स। फिर तीसरी हिल्स जो इंपॉर्टेंट है, मिरी हिल्स। चौथी अबोर हिल्स। यहाँ अबोर और मिरी के बीच में से ही सुबनसिरी निकल के आगे आपकी ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा आगे आओगे तो जो ये दिहांग और दिबांग वाला पूरा का पूरा बेसिन है, दिस इज़ द दिहांग का बेसिन है ना, और दिस इज़ द दिबांग का बेसिन। तो ये जो दिहांग दिबांग का बेसिन है, दिस फॉर्म्स द दिहांग दिबांग बायोस्फेयर रिजर्व। क्या बनता है ये? दिहांग दिबांग बायोस्फेयर रिजर्व। कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे? मिशमी हिल्स हैं आपकी, द मिशमी हिल्स। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट देख ली हमने? डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, यही चार इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। आका कोई नहीं पूछेगा, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। ठीक है, क्लियर। तो इस वाले रीजन में और क्या है आपका? जो ये दिहांग दिबांग है, इसी के पास आपका मौलिंग नेशनल पार्क भी पड़ता है। ठीक है, इसी पूरे रीजन के अंदर मौलिंग नेशनल पार्क पड़ता है, जिससे क्या जाती है? श्योम रिवर जाती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिहांग या सियांग। ठीक है, फिर ये जो एरिया है, दिस एरिया, इसमें क्या है? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हमने क्या देखा? मौलिंग नेशनल पार्क, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड बोथ ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द दिहांग दिबांग बायोस्फेयर रिजर्व, एंड द अनदर हिल्स दैट आर हेयर आर मिशमी हिल्स। क्लियर हो गई ये चीज़? समझ में आ गई? चले नेक्स्ट, आगे आए। ठीक है, ये वाली रिवर आपकी लोहित है, मैंने बता दिया आपको। अब इसमें हम थोड़ा यहाँ पे नीचे की साइड आते हैं, इस पर्टिकुलर साइड। देखो ये है आपकी असम की बाउंड्री है ना, दिस इज़ दी बाउंड्री ऑफ असम। ये यहाँ पे ऐसे, और ये पूरा, ठीक है, ये पूरा असम की बाउंड्री है। बना देता हूँ एक सेकेंड, ये ऐसे। तो जो चीज़ें इसमें पहले वो देख लो। सबसे पहले दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया, बिकॉज यहाँ पे क्या है? कामलांग टाइगर रिजर्व है। दिस इज़ ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलांग टाइगर रिजर्व। यहीं पे एक लेक पड़ती है, क्योंकि लेक्स आजकल यूपीएससी पूछ रहा है। दिस इज़ द ग्लो लेक। ओके, व्हाट इज़ इट? इट इज़ कॉल्ड द ग्लो लेक, राइट? एंड इस पूरे रीजन में द कामलांग टाइगर रिजर्व, एक बहुत खास बात क्या है कि इट इज़ होम टू द फोर बिग कैट्स। देखो यहाँ पे ये वन लिखा हुआ है, वन पे चलते हैं, ये रहा आपका वन। सो दिस इज़ द हैबिटेट फॉर द फोर बिग कैट्स। व्हाट आर द फोर बिग कैट्स? टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। और एक चीज़ जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड यहाँ पे स्पॉट होती है, वो है आपकी वाइट बेलीड हिरों। ओके, सो दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ कमलांग टाइगर रिजर्व इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। और यहाँ से जो रिवर आपकी निकलती है नीचे, सी दीज आर द हिल्स ऑफ पटकाईबुम। ये वाली जो हिल्स हैं, दीज आर द हिल्स ऑफ पटकाईबुम। यहीं से आपकी एक रिवर निकलती है, दिस पर्टिकुलर रिवर, लेट मी जस्ट ट्रेस इट, ये रिवर निकलती है। ओके, और ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट पासिस थ्रू द दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। ओके, ये पूरा जो रीजन है, दिस इज़ द दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये पूरा जो रीजन है, क्लियर। इसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर एक सबसे पहले चीज़ आई क्या आपकी? ये दिस, वॉट इज़ दिस? इट इज़ द नामदाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए?
मतलब ओवरऑल बिकॉज यहाँ पे ये रिवर निकल के जाती है, द नोआ देहिंग या बूढ़ी देहिंग, इसको दो नाम से बुलाया जाता है, नोआ देहिंग बूढ़ी देहिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लाइंग स्क्विरल मिलता है ये एंडेमिक है यहाँ पे, एंड इट इट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बींग आस्क्ड, शायद एक बार पूछा भी है यूपीएससी ने पहले। ओके क्लियर हो गई ये चीज़। फिर यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे लिखा है, ये दिस रीजन दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज द, ये देखो ये जो पूरा एरिया है ना, द सेकेंड द थर्ड, ये पूरा मिला के एरिया पूरा ही एलिफेंट रिजर्व है। इसके अंदर दो एलिफेंट रिजर्व्स आ जाते हैं, सो एक है आपका देहांग पटकाई और दूसरा है आपका साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, जिसको देओमाली एलिफेंट रिजर्व भी बोलते हैं। सो दिस एंटायर एरिया कंप्राइजेज ऑफ टू एलिफेंट रिजर्व्स, द देहांग पटकाई एंड द साउथ अरुणाचल, और इसके अंदर एक मेजर टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया, नामदफा, ठीक है। रिवर कौन सी निकल गई यहाँ से, बूढ़ी देहिंग, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, कुछ डाउट नहीं है इसमें। इधर कामलांग देख लिया टाइगर रिजर्व, इधर नामदफा देख लिया टाइगर रिजर्व, ओके। इसी को बोलते हैं नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। चले आगे चले, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने देख ली, इधर देख लिया, देन और क्या बचा आपका, बस ठीक है इतना ही था अरुणाचल में। तो फटाफट से जस्ट लेट अस मार्क द इंपॉर्टेंट थिंग्स, फटाफट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इधर से स्टार्ट करते हैं, इस वाले इधर से। तो सबसे पहले यहाँ पे बुमला पास है, इसके नीचे पूरा तवांग का एरिया है, जहाँ पे तवांग मोनेस्ट्री यूपीएससी ने पूछ ली थी एक बार। यहाँ पे बोमडेला पास है, यहाँ ऊपर आपकी आका हिल्स एंड गोरीचिन हिल्स हैं, यहाँ से आपकी कामेंग रिवर निकलती है, और वो किससे पास करती है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व से। कामेंग एलिफेंट रिजर्व में क्या क्या चीज़ें हैं, पखुई टाइगर रिजर्व है, शेषा ऑर्चिड एंड ईगल नेस्ट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आगे कामेंग जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे डाफला हिल्स पड़ेंगी। देखो ऐसे पूछ लेगा कुछ भी, ईटानगर इज सिचुएटेड ऑन ब्रह्मपुत्रा, ईटानगर बोल देगा कि ये सियांग दिवांग पे है, नहीं है, ठीक है। ईटानगर काफ़ी इधर है, कभी भी वैसे छोटी गलतियाँ नहीं कराता है, बड़ी कराता है। तो सबसे पहले डाफला हिल्स, फिर मिरी हिल्स, अबोर हिल्स। मिरी हिल्स और अबोर हिल्स के बीच में सुबनशिरी निकल रही है, टुंगा पास से इंडिया में घुसती है, एंड देन आगे जाके ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। फिर आप इधर आओगे, इधर आओगे तो सबसे पहले आप क्या बेसिन देखोगे, दिहांग दिबांग का बेसिन, और इसी बेसिन पे क्या है आपका, दिहांग दिबांग का बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे आपका क्या है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलिंग का नेशनल पार्क। दिबांग की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या है, सियोम, क्योंकि वो निकलती है मोलिंग नेशनल पार्क से, इसलिए हमें याद रखनी है। ओके फिर हम इधर आते हैं नीचे, तो यहाँ पर नीचे हम आएंगे तो देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जैसे रोडेंड्रोन के प्लांट्स हैं, इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यांमार को लेकर पूरा कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके टिम्बर को लेकर, ठीक है, उनकी वुड को लेके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रोडेंड्रोन प्लांट्स। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, इसी एरिया में मिलते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर परशुराम का कुंड है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, तो ये किसके रिवर के किनारे है, तो ये लोहित के किनारे है, ठीक है। दे देगा कि दिहांग के किनारे है, सुबनश्री के किनारे है, नहीं, लोहित के किनारे है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस वाले रीजन में जब हम नीचे आ गए तो आपका सबसे पहले हमें मिला कामलांग का टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर उसमें हमने देख लिया चार बिग कैट्स और कौन कौन सी स्पीशीज़ मिलती हैं। फिर यहाँ पर जब हम आए तो हमें दो एलिफेंट रिजर्व्स का एक पूरा कॉरिडोर मिला, विच इज़ द साउथ अरुणाचल वन एंड द देहांग देहांग पटकाई वन, और इसके अंदर अपना क्या सिचुएटेड है, द नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक है। क्लियर हो गई ये चीज़, ट्रेस हो गया पूरा ऐसे करके, ऐसे वी हैव ट्रेस्ड इट। चलें आगे, लेट्स मूव। अगर याद रखना है तो ये एक चीज़ है, टिनसुकिया का जो सिटी है वो बूढ़ी गंडक पे पड़ती है। चलें अरुणाचल क्लियर हो गया, ओके नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज द नागालैंड। अब देखो नागालैंड में हमें सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है, एक दो चीज़ें हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे सबसे पहले क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर हमने इसके ऊपर देखी थी, इसकी यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी निकल के जा रही है, द धनशिरी, ठीक है। ये धनशिरी ट्रिब्यूटरी है, ये निकल के जा रही है। सो ये कहाँ से निकल रही है, फ्रॉम द बरेल रेंज, ये पूरी बरेल रेंज है, यहाँ से आपकी धनशिरी निकलती है, ऐसे ऊपर जाके इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, ठीक है। जहाँ ये इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है वहीं आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये हम आसाम वाले लेक्चर में देखेंगे, मतलब आसाम वाली पेज पे देखेंगे। फिर और क्या है यहाँ पे, दिस एंटायर एरिया इज़ द इटांकी नेशनल पार्क एंड एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। इटांकी एलिफेंट रिजर्व है ये, इसके अंदर आपकी इटांकी का नेशनल पार्क भी है, ओके। एक पीक है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, लाइसुंग की पीक है, बट ठीक है यूपीएससी शायद ये नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पे इस इटांकी के नेशनल पार्क में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गोल्डन लंगूर मिलता है, हॉर्नबिल मिलता है, वाइट बेफेलो मिलती है जिसको मिथुन भी बोलते हैं, और हुलोक गिबन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओनली एप है फाउंड इन इंडिया। लेकिन 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 एक बात क्या याद रखी नहीं है कि अगर ऐसे बोल दे कि ये सिर्फ इटांकी में मिलता है, नहीं, ये ओनली एप है बट ये ओनली इटांकी में नहीं मिलता है, और भी एक दो जगह मिलता है ये, ठीक है। ये वाला रीज़न क्लियर हो गया।
फिर इधर आ जाओ, ये पूरी आपकी नागा हिल्स हैं। नागा हिल्स से आपकी देखो यहाँ पे ढीकू रिवर निकल रही है, ठीक है, और ये ढीकू रिवर भी जाके ऊपर ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है। फिर इस वाले एरिया में, दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपका सिंगफन की आपको एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो वॉट, दिस इज़ ऑल्सो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये एरिया तो यहाँ पे दो एलिफेंट रिजर्व कौन से देख लिया आपने नागालैंड में, एक इटांकी देखा यहाँ पे और एक शिंगफन देखा यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। बाकी यहाँ पे हिल्स कौन सी हैं, तो जो हिल याद मतलब एक चीज़ पर यहाँ पे देख लो, बाकी हिल्स वगैरह तो आगे देख लेंगे आसाम वगैरह में। कर्बी अंगलोंग का प्लेट्यू, तो कर्बी अंगलोंग कई बार बोला जाता है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, राइट, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, ऐसे बोला जाता है, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आ गया है पूरा, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक इटांकी नेशनल पार्क एंड एलिफेंट रिजर्व इस साइड पे, और उस साइड पे यहाँ पे सिंगफन का एलिफेंट रिजर्व विच इज़ ऑल्सो नेशनल पार्क। चले, क्लियर, बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू मणिपुर। तो मणिपुर में देखो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज़ द बराक रिवर। अब ये यहाँ पे आपकी दिस इज़ द ईस्ट मणिपुर हिल्स, ठीक है, ये पूरी ईस्ट मणिपुर हिल्स है, यहीं से आपकी बराक रिवर देखो निकलती है और पूरी इसकी बाउंड्री को ट्रेस करते हुए फिर आसाम के साथ बाउंड्री बनाते हुए फिर ऐसे नीचे आती है, फिर वापस से ऊपर मुड़ती है और फिर आपकी इधर चली जाती है इन द बांग्लादेश रीजन, आके जाके दो चीज़ों में बट जाती है, दो स्ट्रीम्स में बट जाती है, एक सुरमा और एक कुशियारा, वो आगे कैसे जाती है हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए बराक रिवर का ये पूरा जो कोर्स है इस तरीके से है, याद रखना, ठीक है, दिस इज़ द कोर्स ऑफ बराक रिवर, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखने वाली चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे पहली रामसर साइट पढ़ लेते हैं, लोकतक लेक विच इज़ अ रामसर साइट विच इज़ ऑल्सो इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में दूसरा कौन सा है, केवला देव, सुबह मैंने बताया नहीं था ये राजस्थान वाले लेक्चर में, दो ही साइट्स हैं इंडिया में, एक केवला देव घाना और दूसरी ये आपकी लोकतक लेक, ये दो आपके मॉन्ट्रियक्स में है, ठीक है। और यहीं पे क्या है आपका केबुल लमजाओ का नेशनल पार्क है, ये चीज़ें ये किस चीज़ों के लिए फेमस है, ये इन चीज़ों के लिए, डांसिंग डियर, सांगाई डियर, ब्रो एंटलर डियर, ये मिलता है यहाँ पे, और ये है जो ये फुमडी से कवर्ड है, फुमडी क्या है, फ्लोटिंग वेजिटेशन है, इस चीज़ के लिए आपकी लोकतक लेक जो है वो फेमस है। अगर पूछ ले कि यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, क्या निकल रही है, तो देखो एक इम्फाल रिवर आती है, ये इम्फाल रिवर है, ट्रेस करता हूँ, देखो ये इम्फाल रिवर है, ऐसे इम्फाल की सिटी बीसी पे पड़ती है और ये इस पूरे के पूरे इसको ऐसे लोकतक लेक के बराबर से निकलती हुई एंड आगे जाती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट, इरिल एंड तिहोबल, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट ये दो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं एंड ये इम्फाल रिवर है, ठीक है, क्योंकि सिटी पे भी है और लोकतक से भी निकल रही है, लोकतक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर, समझ में आ गया। ये इतना ही है इसमें देखने वाला मणिपुर में, बाकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक सिरोही नेशनल पार्क है, बट ठीक है ये इतना नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, क्लियर, ठीक है, चले आगे। देन द नेक्स्ट इज मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में देखो यहाँ पे जैसे पूर्वांचल रेंज है, यहाँ पे आपकी भूभान हिल्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है आपका ये द डम्पा टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलता है, तो क्लाउडेड लेपर्ड देख लो इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, लेकिन अभी मैं त्रिपुरा में दिखाऊंगा क्लाउडेड लेपर्ड, याद रख लेना, मैंने ये बोल दिया कि डम्पा यहाँ है, डम्पा टाइगर रिजर्व में क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लाउडेड लेपर्ड, अगर आपसे पूछ ले कि इस नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इस नाम का नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है, वो कहाँ मिलेगा आपको, आपका त्रिपुरा में मिलेगा, और अभी हम क्या देख रहे हैं, मिज़ोरम देख रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क है, जस्ट आपको नाम याद रखना है ये। देन यहाँ पे आपकी लूशाई हिल्स हैं जिनको मिज़ो हिल्स भी बोलते हैं, और इसी में आपका फोपुनी ब्लू माउंटेन पड़ता है, ठीक है, ये नेशनल पार्क है, इन्हीं हिल्स में ब्लू माउंटेन नाम से यहाँ पे माउंटेन है, और आपका फोपुनी हिल्स, फोपुनी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी इसी एरिया में है विच इज़ विद इन द लूशाई हिल्स। ओके, किसी चीज़ को तो लेके न्यूज़ में था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट किसी चीज़ को लेके न्यूज़ में था। एंड देन अ न्यूली डिक्लेयर्ड वेटलैंड, अ न्यूली डिक्लेयर्ड रामसर साइट, पालक लेक, कुछ जगह पाला लेक भी बोलते हैं, कुछ जगह पालक लेक भी बोलते हैं, दिस इज़ अ वेटलैंड एंड अ रामसर साइट ऑफ मिज़ोरम। समझ में आ गई बात, इतना ही है यहाँ पे याद रखने वाला, कोई और मेजर रिवर वगैरह नहीं है जो याद रखनी है, इतना ही है यहाँ पे। तो एक मुरलेन नेशनल पार्क याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट डम्पा याद रखोगे, और ये याद रखोगे पालक या पाला लेक, ठीक है, रहेगा इतना याद, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट इज त्रिपुरा। तो देखो त्रिपुरा में बस ये छोटा सा यहाँ पे एरिया जो है ये वाला साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो ये है आपकी तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसके अंदर ये आपका बिसोन राजबरी का नेशनल पार्क, बाइसन राजबरी या राजबाड़ी, बाइसन राजबाड़ी, यहाँ पे ऑब्वियसली बाइसन मिलता है उसी के नाम पे है, दूसरा क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, तो इसलिए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो मैं आपको बता भी रहा था थोड़ी देर पहले।
ठीक है। और एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ आपकी ये पूछ ली थी यूपीएससी ने अभी पिछले साल ही, रुद्रसागर लेक विच इज़ अ रामसार साइट, ठीक है सर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम मैं कह रहा हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इन लोकेशंस के लिए है कोई तो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेता है। क्लियर हो गया? ऊपर मैंने लोकतक का बता दिया था ना आपको कि वो रामसर साइट है जब मैं लोकतक करवा रहा था। हाँ ओके, तो यहाँ पे लोकतक हो गई। एक बार बताओ फटाफट, मणिपुर में लोकतक की रामसर साइट हो गई, फिर आपकी मिजोरम में पालक लेक की रामसर साइट हो गई, और फिर आपकी अगर नीचे आओगे त्रिपुरा में तो रुद्रसागर लेक या रामसर साइट हो गई। फिर उसके बाद लेट्स कम टू मेघालय, मेघालय पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि तीन हिल्स हैं इंपॉर्टेंट, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पूरा रीजन देखो, दिस एंटायर रीजन इज नोन एज वॉट, अगर इसको ट्रेस करें यहाँ पे, दिस एंटायर रीजन इज नोन एज द गारो हिल एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। इसके अंदर अब चीज़ें देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वाला रीजन, दिस इज द नोकरेक बायोस्फेयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फेयर रिजर्व, ओके। यहीं इसी के अंदर नोकरेक का नेशनल पार्क भी है, ठीक है। फिर इधर देखोगे तो बलपक्रम का नेशनल पार्क है बिल्कुल इसके यहाँ पे नीचे, इसी वाले रीजन में, गारो हिल वाले रीजन में, लेकिन ये साउथ गारो हिल्स में पड़ता है। अगर पूछ ले बलपकड़म कहाँ पड़ता है तो गारो हिल्स है ना, गारो हिल्स में पड़ता है। फिर यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर कौन सी जा रही है, तो देखो ये गारो हिल्स में से एक ये वाली रिवर निकलती है, दिस इज़ वन रिवर, सिमसांग रिवर, ठीक है। और दूसरी यहीं पर इसमें से जस्ट गारो हिल्स में से ऊपर तरफ जा रही है कृष्णाई रिवर, ठीक है, कृष्णाई, और ये भी ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। आगे बात समझ, ठीक है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में भी आपका होलो गिबन मिलता है, इसलिए जब मैं ऊपर बता रहा था तो मैं कह रहा था कि ये मत माराना कि इटांकी में मिलता है, सिर्फ नोकरेक में भी मिलता है। आगे ये बात समझ, गारो खासी जयंतिया ये सब ट्राइब्स के नाम पे हैं, और गारो हिल्स में देख लिया आपने, गारो हिल दिस इज एन एंटायर एलिफेंट रिजर्व, देन इसके अंदर आपकी ये पूरी गारो हिल्स कवर्ड हैं, गारो हिल्स, देन अंदर आपका नोकरेक है, नोकरेक में जाओगे तो बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, नोकरेक की पीक मिलेगी, नोकरेक का नेशनल पार्क मिलेगा, बराबर में आओगे तो यहाँ पे बलपकड़म का नेशनल पार्क मिलेगा। आ गई ये पूरी बात समझ में, कौन सी यहाँ पे स्पीशी है, क्या क्या है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये आपकी खासी हिल्स है, तो खासी हिल्स में ये आपकी क्या सिचुएटेड है, चेरापूंजी, जो बारिश के लिए फेमस है, एंड दिस इज़ द खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गारो हिल एलिफेंट रिजर्व, ऐसे यहाँ पे खासी हिल एलिफेंट रिजर्व। क्लियर आ गया समझ में मेघालय का, ज़्यादा चीज़ें और याद नहीं रखनी है इसमें। गारो और खासी के एलिफेंट रिजर्व्स हैं, गारो वाले के अंदर नोकरेक का बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक का नेशनल पार्क है, बलपकड़म का नेशनल पार्क है, रिवर कौन सी निकलती है यहाँ से, सिमसांग, और ऊपर जाती है कृष्णाई। क्लियर मेघालय हो गया। चलो अब सबसे कॉम्प्लेक्स वाले पे चलते हैं, आसाम। अभी देखो देखने में बड़ा मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिया इसने अपने इसका चारों तरफ का, तो इसे करने में बिल्कुल मज़ा आएगा। अभी ध्यान से सुनना और पूरा याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें कराता हूँ। जैसे देखो हमने देखा था ना वहाँ पे बराक रिवर ऐसे नीचे से आके ऐसे ऊपर चली गई थी, फिर यहाँ पे ऐसे आई, तो मैंने बताया था ना एक सुरमा बन जाती है आगे और एक कुशियारा बन जाती है, राइट। तो ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, फिर यही वापस से आगे जाके इसमें मिल जाती है, और यहाँ से इसमें क्या मिल रही है, गंगा, पद्मा, ठीक है, ऊपर से तीस्ता भी यहीं मिल रही है, जमुना बन जाती है ये, राइट। तो ये पूरा फिर आगे जाके आपका वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, राइट। ये पूरा रीजन, ये पूरा एरिया, समझ में आ गई ये बात। फिर यहाँ पे हमने क्या देखी थी, देखो कृष्णाई रिवर निकल रही थी ना अभी देखी थी, ये भी ऊपर जाके ब्रह्मपुत्र में मिल गई, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, मेघालय, ओके। फिर और हमने क्या देखा, और हमने देखो मानस रिवर देखी थी, है ना, मानस रिवर यहाँ से तवांग से ऐसे होते हुए आ रही थी ना, फिर हमने मानस रिवर यहाँ पे देखी, अच्छा नहीं, कामेंग रिवर देखी थी, ओके कामेंग रिवर हम देख चुके हैं, चलो मानस अभी देख लेंगे। ये कामेंग रिवर है, ठीक है, ये हमने देखी थी, यहाँ पे आई थी और आगे आके मिल गई थी। सुबनसिरी देख चुके हो, सियांग, दिबांग, लोहित, ये सब देख चुके हो ना, तो अब एक बार यहाँ से चलो आसाम कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन जो था, अभी यहाँ पे कुछ पीस पैक्ट वगैरह भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बोडोलैंड का एरिया है ये, तो यहाँ पे आपको जो नेशनल पार्क देखने को मिलता है वो रायमोना है। तो क्योंकि अभी इसके वो सब न्यूज़ में है, तो रायमोना नाम याद रख लेना, सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा, रायमोना नेशनल पार्क इसमें से कहाँ पड़ता है, तो आसाम में पड़ता है, ठीक है, बस इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसके आगे आओ, ये है आपका इंपॉर्टेंट एरिया, दिस एरिया, दिस इज़ द मानस। ये मानस क्या क्या है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सब कुछ है ये, ओके। और तो और यहाँ पे एक आपका एलिफेंट रिजर्व भी पड़ता है, द चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व। तो ये पूरा का पूरा एरिया इज इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पे मानस का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड चिरांग रिपू नाम का एलिफेंट रिजर्व, ये पूरा का पूरा इस एरिया में पड़ता है, एंड द रिवर दैट गोज थ्रू इट इज़ द मानस रिवर। मानस रिवर यहाँ से आई,
और ऐसे चली गई। इसमें दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है, कुरु और मंडे। ठीक है, यहाँ पे ना इसके ऊपर ये वाला जो रीजन है, ये रॉयल भूटान शायद नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, तो उसी के बिल्कुल पैरेलल ही, उसी के बिल्कुल साथ में मिला हुआ हमारे इंडिया में क्या है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। मानस नेशनल पार्क बोलो, टाइगर रिजर्व बोलो, यहाँ पे और क्या क्या मिलता है, टाइगर्स तो चलो हो ही गए, बाकी चाइनीज पेंगोलिन, बंगाल फ्लोरिकन, रूफ टॉप टर्टल, एंड ऑल्सो ऑल्सो इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। तो ये नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसके अंदर आपका एलिफेंट रिजर्व भी, सब कुछ हो गया। रिवर समझ में आ गई, चलें अब थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के किनारे पे चलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के किनारे पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखने को मिलती हैं, डिसपुर एंड गुवाहाटी। फिर और आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र के किनारे, तो यहाँ पे आपको दिस रीजन, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, यहाँ पे आपको आसाम की रामसर साइट देखने को मिलती है, विच इज़ दिपोर बेल रामसर साइट। क्लियर, ये दिपोर बेल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये एक रामसर साइट भी है। इसके जस्ट थोड़ी आगे आओगे तो यहाँ पे आपको पवित्रो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो काजीरंगा ये थोड़ी दूरी पड़ता है, और यहाँ पे क्या किया था हमने, काजीरंगा से शिफ्ट किए थे राइनोज, रिलोकेट किए थे। ये देखो यहाँ पे काजीरंगा पड़ता है ये, और यहाँ पे आपका पवित्रो पड़ता है, तो पवित्रो को मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। फिर से थोड़ी सी आगे चलोगे, यहाँ पे आओगे तो आपको एक और टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, विच इज़ द ओरांग टाइगर रिजर्व। इसको राजीव गांधी ओरांग टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर, रिवर जब भी नेशनल पार्क से आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो नीचे से धनश्री आ रही थी ना, जो मैं अभी बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, तो देखो धनश्री रिवर जब यहाँ से आई, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और यहाँ पे ये, तो ये इसी नेशनल पार्क में आके, यहीं पर आके आपकी ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, राजीव गांधी ओरांग में। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर इसके नेक्स्ट है कामेंग। तो जब ये कामेंग रिवर ऊपर से आ रही है, तो देखो दो तीन चीज़ें, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, दिस इज़ द सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। और सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व के अंदर आपका क्या क्या है, एक आपका नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, और एक आपका सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रिवर कौन सी ड्रेन कर रही है इसको, कामेंग, याद रखोगे ये चीज़। ऊपर हमने जब देखा था तो ये सब देख लिया था, अब हम ये आसाम का देख रहे हैं। देखो जब हमने यहाँ पे कामेंग रिवर देखी थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, देखो ये रही ना कामेंग रिवर, जब यहाँ पे जा रही थी तो इस पूरे एरिया से जा रही थी, राइट, द पखुई वाला एरिया, कामेंग एलिफेंट रिजर्व, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे अब ये आसाम का मैं ट्रेस करवा रहा हूँ आपको, अंडरस्टूड। तो अब ये आसाम वाला एरिया है। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ दी ये, हाँ तो ये कामेंग यहाँ से निकली, दिस इज़ द सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व का एरिया। यहाँ पे आपका नामेरी का नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, ये इंपॉर्टेंट है, सोनितपुर पूछे ना पूछे ये ज़रूर पूछ लेगा। तो नामेरी का नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इससे कौन सी रिवर जा रही है, कामेंग, ये डिफरेंस याद रख लोगे ना, मानस जा रही है मानस वाले एरिया से, और कामेंग से क्या, कामेंग किससे जा रही है, नामेरी वाले एरिया से। ठीक है, ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिलती है। अब इससे आगे चलो, इससे आगे जब चलोगे तो ये वाला एरिया आएगा, दिस एरिया इज़ द कर्बी अंगलोंग काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व। कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया की, एक सेकेंड दो, ये पूरा एरिया देखो, दिस एंटायर एरिया, कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू पर पढ़ा चुका हूँ ना कि वो एक्सटेंशन है क्या है, सब बता चुका हूँ ऊपर, दिस इज़ द कर्बी अंगलोंग काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व। अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लो, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर याद रखनी है तो वो है काजीरंगा का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब ये इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ऑब्वियसली राइनो मिलता है, ऑब्वियसली यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, वाइल्ड बुफेलो की लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहीं पे मिलती है, स्वैम्प डियर यहीं पे मिलता है, लेकिन इस बार मेरा आप पे मैं फोकस लाना चाहता हूँ आपका एशियन एलिफेंट पे। अभी प्रोजेक्ट एलिफेंट को जब सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके शायद 30-20 साल कुछ हुए हैं, तो यहीं पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था काजीरंगा में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो और एक दो चीज़ें यहाँ पे क्या मिलती हैं, एक आपका नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, एक आपके यहाँ पे गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है। सो दिस एंटायर एरिया इज़ द कर्बी अंगलोंग काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व। और उसके बिल्कुल बराबर में यहाँ ये अगर देखोगे, दिस एरिया, दिस इज़ द धनश्री लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे धनश्री रिवर देखो ये ऐसी जा रही थी ना, तो ये इसी से होती हुई जाती है, तो धनश्री लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। ओके, ये हिल्स देख ही चुके हैं पहले, मिकेर हिल्स, और इधर ही आपका पूरा कर्बी अंगलोंग का प्लेट्यू। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इतना ये एरिया क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऊपर जाओगे तो जहाँ पे सुमनश्री आके मिल रही है, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे क्या है, एक रिवर एंड आइलैंड है जिसका नाम है मजूली। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डियर मिलता है, क्या मिलता है, वो सब आपको पता ही है, मैं बार बार रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर यहाँ पे जाओगे तो ढीकू नीचे से आके मिली, दिसिंग नीचे से आके मिली, दिसांग ये देख ही चुके हैं, दिहिंग नीचे से आके मिली, देख ही चुके हैं। यहाँ पे क्या है आपका, दिहिंग पटकाई का
नेशनल पार्क. ओके, नाउ दिस एंटायर एरिया, दिस एरिया, दिस इज नोन एज द डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ तक देखा था ना, देखो हमने लोहित वगैरह आ रही थी, यहाँ से दिबांग आ गई, दिबांग के ब्रेडेड चैनल्स हैं ये, ठीक है, फिर यहाँ से सियांग आ गई. तो यहाँ पे बनता क्या है, विच नेशनल पार्क इज देयर, दिस इज द डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, इसलिए इंपॉर्टेंट है. और इसके नीचे यहाँ दिहिंग रिवर जिससे निकलती है उसी को बोलते हैं क्या, दिहिंग रिवर किसको बेसिन बनाती है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को. आगे वाला रीजन समझ, तो यहाँ पे अगर याद रखना है तो क्या याद रखोगे, डिब्रू साइखोवा, नीचे उसके दिहिंग पटकाई, ठीक है, क्लियर. आसाम ट्रेस हो गया पूरा, वापस से रिवाइज करा दूँ एक बार आसाम, थोड़ा सा जस्ट ऊपर ऊपर से थोड़ा सा करा देता हूँ, कोई कलर है क्या ढंग का. देखो इधर पहले बोडोलैंड में आपको क्या याद रखना है, रायमोना नेशनल पार्क, फिर ये आपका मानस वाला रीजन है, ये नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सब कुछ है. यहाँ पे एक एलिफेंट रिजर्व भी पड़ता है चिरांग रिपू का, इसमें आपकी मानस, ये आपकी मानस रिवर आती है उधर से तवांग से निकल के. यहाँ पे मैंने बताया था कि भूटान रॉयल नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे कुरु एंड मंडे के जो रिवर्स हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं. फिर यहाँ पे आगे चलते हैं हम, तो दिसपुर और गुवाहाटी मिलते हैं हमें, फिर यहाँ पे यहाँ की सबसे पहली रामसर साइट दीपोर बिल हमें मिलती है, फिर आगे पोबित्रो जो कि मिनी काजीरंगा है, फिर आगे ओरांग जो कि टाइगर रिजर्व है, और यहाँ धनश्री रिवर हमने देखी. तो धनश्री रिवर यहाँ से निकल के ऊपर आके एक सबसे पहले इससे गई, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द धनश्री एलिफेंट रिजर्व, एंड देन इससे गई जो कि ओरांग टाइगर रिजर्व है. फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे अगर देखोगे ये वाली, तो कामेंग रिवर जो है वो इसी से पास होके आ रही है, विच इज़ द सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो कि नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व अपने अंदर कंप्राइज करता है, ठीक है. फिर इसके ऊपर आओगे तो ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन क्या है, कबरियंगलोंग का, कर्बियंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, इसके अंदर आपका ऑब्वियसली काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसमें कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए. देन इसके ऊपर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रिवर आइन आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है मजूली आइलैंड. देन ऊपर आपकी यहाँ पे लास्ट में डिब्रू साइखोवा का बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क भी है, एंड विच इज ऑन द रिवर वेयर सियांग, दिबांग, लोहित ये सब मीट कर रही है, आगे ब्रह्मपुत्र बन रही है. तो किस रिवर पे अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र पे है, एंड यहाँ पे आपकी दिहिंग जो है वो आके ब्रह्मपुत्र पे मिल रही है, और इसके ही आपके बैंक पे क्या है, दिहिंग पटकाई का नेशनल पार्क. हो गई सर बात समझ, ये क्लियर हो गई, ओके, इज इट क्लियर, चलें आगे नेक्स्ट पे चलें, ऑल ऑफ दिस इज डन. चलो देख रहा, देखने में टफ लग रहा था, एक बार ट्रेस करना शुरू किया तो कितना आसान हो जाता है, मज़ा भी आता है पढ़ने में, ठीक है सर. अब हमने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स कवर कर लिए हैं आठों, तो लेट अस लुक एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें से सबसे पहले ओवरऑल बता देता हूँ. देखो ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है, इस वाले रीजन को नॉर्दर्न अंडमान बोलते हैं. फिर ये आपका ये वाला रीजन, दिस इज़ द मिडिल अंडमान, ठीक है. फिर उसके नीचे ये वाला रीजन, अब बस ये आपको याद रखना है, ये साउथ अंडमान है और इसके नीचे ये जो छोटा सा है ये लिटिल अंडमान है. तो कन्फ्यूज़ आप ये मत कर जाना, लिटिल अंडमान को यहाँ ऊपर या साउथ को या नीचे मत मान लेना, ठीक है. नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, ओके. और यहीं ये साउथ के और लिटिल के बीच में ही जो है वो है डंकन पास, और फिर इनको सेपरेट कर रहा है निकोबार आइलैंड से क्या, द 10 डिग्री चैनल. और निकोबार आइलैंड में आपको एक क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड जो ये है, काफ़ी बड़ा सा है इसलिए इसको ग्रेट निकोबार का नाम दिया है. तो ऊपर से नीचे याद रहेगा आप, नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल, साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पास, देन 10 डिग्री चैनल, उसके नीचे निकोबार आइलैंड्स, और उसमें सबसे नीचे आओगे तो ग्रेट निकोबार, सबसे नीचे आओगे तो. समझ में आ गई बात, ऊपर से नीचे किस तरीके से चलते हैं. अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये इसके ऊपर यहाँ पे एक कोको आइलैंड है, और ये कोको आइलैंड इंडिया का नहीं है, ये म्यांमार का है, ओके. यहाँ पे आपका देखो नरकोंडम आइलैंड मिल रहा है, यूपीएससी पूछ भी चुका है पहले, दिस इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो. फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेट निकोबार में आपको क्या मिला, ग्रेट निकोबार था ना, देखो ये सॉरी ग्रेट क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ अंडमान था ना ये वाला जो सबसे ऊपर था, यहाँ पे आपको क्या मिला, सैडल पीक का नेशनल पार्क मिला. यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं, लेदर बैक टर्टल मिलते हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पे मिलता है. ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी के एक बॉक्स में दिया हुआ है, उस बॉक्स में चार पीक्स के नाम दिए हुए हैं और वहीं से पूछ लेता है, तो एक बार पहले पूछ भी लिया था, तो इसलिए सैडल पीक का नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है. फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो मिडिल यहाँ पे इसके जस्ट नीचे बैरन आइलैंड मिलता है जो कि इंडिया का एक एक्टिव वोल्केनो है. ऊपर यहाँ नारकोंडम हो गया, यहाँ पे बैरन हो गया, ठीक है. फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है बैक टू बैक, पहले नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ठीक है. फिर एक रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, तो रानी झांसी आएगा तो एमपी मत माराना या यूपी मत माराना, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे आपका, ये रहा देखो, एंड दिस इज़ इन द
अंडमान निकोबार आइलैंड, स्पेसिफिकली बोले तो अंडमान आइलैंड्स। ओके, फिर यहाँ पे और इसके नीचे आओगे तो माउंट हेरियट का नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ पे। ओके, और यहीं पे देखो आपका पोर्ट ब्लेयर भी मिलेगा आपको इसी वाले पूरे रीजन में। दिस इज़ द सदर्न अंडमान, साउथ अंडमान वाला जो रीजन है, इसी में आपको माउंट हेरियट और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहाँ पे देखो ये मिलेगा। तो रानी झांसी और महात्मा गांधी ये दोनों आपको ऊपर नहीं मार के आने हैं वहाँ पे, ठीक है, कहाँ मार के आने हैं, अंडमान में। क्लियर हो गई बात, पोर्ट ब्लेयर समझ में आ गया, यहीं है इसी वाले रीजन में। अब देखो ये तीन चार आइलैंड्स हैं जो यूपीएससी ने अभी पूछे नहीं है, लेकिन इनके नाम चेंज हुए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हैवलॉक, ये नील और ये रोज़, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, हैवलॉक, नील, रोज़, इनके नाम चेंज कर दिए गए थे फॉर गुड। और इनके नाम अब क्या हैं, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप एंड सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। तो कैसे याद रखना है हमें, यूपीएससी किसी भी साल पूछ लेगा, मे बी इसी साल। तो ये तो आपको अल्फाबेटिकली याद करा दिया मैंने, हैवलॉक, नील और रोज, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब ये रीनेम होके क्या बने, तो रीनेम होके क्या बने हैं, ये स्वराज के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए सुभाष चंद्र बोस जी। ओके, ये आपको इस तरीके से याद रखना है, रख लोगे ये याद। चलें आगे बढ़ें, हो गया पूरा का पूरा एरिया कवर, चलो आगे देखो अब। हाँ, ये नीचे आओगे यहाँ पे तो ग्रेट निकोबार में भी दो नेशनल पार्क हैं आपके, एक कैंपल बे एंड एक गलाथिया। तो ये गलाथिया इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यहाँ पे ना एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको डीनोटिफाई कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं निकोबार प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट करके। ओके, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मतलब डिफेंस सिक्योरिटी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए। तो आपको गलाथिया दे देगा और अंडमान आइलैंड्स बोल देगा, वैसे इतनी छोटी गलती कराते नहीं है बट स्टिल याद रखना है, निकोबार आइलैंड्स में है, स्पेसिफिकली ग्रेट निकोबार में। और ऊपर आपका क्या है, कैंपबेल बे, ठीक है, जहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, शोमफेन और निकोबारीज, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर लास्ट है आपका ये लक्षद्वीप आइलैंड, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें याद रखने की है नहीं, तो एक दो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ नीचे मालदीव्स हैं और ऊपर ये मिनिकॉय है, तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल, तो ऐसे याद रख लो, 8 mm, एम से मिनिकॉय, एम से मालदीव्स, 8 mm की पिस्टल, सॉरी। फिर इसके ऊपर यहाँ पे आपका 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, मिनिकॉय आइलैंड को और मेन आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप को, तो इसके ऊपर आपका लक्षद्वीप मेन और यहाँ पे नीचे मिनिकॉय, इसके बीच में क्या पड़ रहा है, 9 डिग्री चैनल पड़ रहा है। ऊपर आपने यहाँ पे पढ़ लिए थे वाले चैनल, 10 डिग्री चैनल, वो सेपरेटिंग द अंडमान द निकोबार आइलैंड्स एंड द डंकन पास, वो सेपरेटिंग द लिटिल अंडमान एंड द सदर्न अंडमान, ठीक है, याद रहेगा ये। फिर यहाँ पे और हम क्या देख सकते हैं, एक ये जो सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे, एंड्रोट का आइलैंड, दिस इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट आइलैंड टू द कोची का पोर्ट। और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है आपकी, पिट्टी आइलैंड की बर्ड सेंचुरी, और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्रॉप उगती है, मेजर क्रॉप, वो है कोकोनट, यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके सर, यही इसमें इम्पोर्टेंट है लक्षद्वीप में, ठीक है। तो वी स्टार्टेड ट्रेसिंग फ्रॉम सिक्किम, देन अरुणाचल, नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल, सॉरी अंडमान निकोबार एंड देन लक्षद्वीप, ऐसे करके ये पूरा का पूरा आपका डन हो गया। इसको एक दो बार सुन लोगे, सारा का सारा याद हो जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रह जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में पूरा पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। ओके डन, सो विद दिस वी आर कम टू द एंड ऑफ द भारत दर्शन सीरीज, एंड इसकी एक PYQ की PDF मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे सारे एनवायरनमेंट बेस्ड जो मैपिंग क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर में, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, वो आप देख लेना एक बार, तो उससे आपको रिविजन होल्ड करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड फॉलो कर लीजिए ये टेलीग्राम चैनल, ये यूट्यूब चैनल, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो, और आपने नहीं किया है अभी तक तो हिट द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू कैन, थोड़ा सा आपका अगर मन कर रहा है तो हिट कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ी और मोटिवेशन मिलते रहे काम करने के लिए। एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहीं पे आपको ये PDF भी मिलेगी और बाकी PDFs भी मिलेंगी, मैं अपने खुद के नोट्स भी डाल रहा हूँ वहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स डाले हैं मैंने, 5-year plan के नोट्स डाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के को एक अच्छे नोट्स डाले हैं मैंने। ओके, सो टिल द नेक्स्ट टाइम, ऑल्सो हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इज कमिंग टुमारो मॉर्निंग ऑन द एंटायर बजट, इसका जितना भी स्टैटिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करंट है, सारा कुछ MCQs की फॉर्म में, नियरली 90 MCQs प्लस टैक्सेशन, ये पूरा मैं कल सुबह एक वीडियो पोस्ट करूंगा, तो वो आपको देखनी है एंड यू विल कवर इट अप।
प्लीज़ एक कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये भारत दर्शन की सीरीज़ में हमारे साथ सारी स्टेट्स और सारी यूटीज़ वगैरह सारे एरियाज़ आइलैंड्स घूमने में कैसा लगा, एक बार प्लीज़ बताइएगा। इट विल रियली हेल्प अस इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो एंड टू इम्प्रूव ऑल्सो। तो प्लीज़ एक बार बताइएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम आई सी यू, दिस इज सत्यम जैन एट अंडरस्टैंड यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।